देखो पिछली प्रश्नावली में हमने जैसे 5.1 में कुछ सवाल किए थे, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके एक्सरसाइज है 5.1। सवाल नंबर 2 है, इसमें निकालना क्या है देखते हैं। एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं और प्रथम पद है आपके ए और चार अंतर डी, ये ऑलरेडी दे रखे हैं। एपी के 4 पद निकालने हैं, जैसे इसमें है आपके ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 है और डी आपके देर का है, डी भी 10 देर का है। अब देखो ए आपके 10 है, जैसे प्रथम पद तो हो गया 10 और डी भी कितना है 10 है, तो 10 में मैं और प्लस 10 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 20, 20 में और 10 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 30, 30 में और 10 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40। देखो डी अपन कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन। अब निकालता हूं मैं, ए टू कितना है 20, 20 में से 10 गया तो वापिस 30, सही है। तो आपके एपी फर्स्ट ए है और डी है, तो इसके कितने हैं 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद आपके फर्स्ट 10 है, सेकेंड 20 है, थर्ड 30 है और फोर्थ 40 है। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में आपके एक -2 है और डी आपके 0 है, डी आपके कितना है 0 है। अब देखो प्रथम एपी का फर्स्ट प्रथम पद तो है -2, -2 में मैं कितना और जोड़ू कि 0 आ जाए, -2 ही वापस जोड़ूंगा क्योंकि -2 माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कट कटा के वापस 0, तो तुम्हारा डिफरेंस कितना चलता रहेगा, तो एपी कितना हो गया, इसके 4 पद कितने हो गए माइनस माइनस -2 -2 -2 होगा। तीसरा देखते हैं, ए आपके 3 नहीं सॉरी ए आपके हैं 4 और डी आपके हैं -3, एक 4 है। अब देखो एक शॉर्ट डी कैसे निकालते हैं, एक तो ए टू में से ए वन माइनस कर दो तो भी आपका डी आ जाता है, और एक क्या होता है ए वन में ए टू आप जोड़ दो तो भी आपका डी आ जाता है। जैसे सेम टू सेम मैंने यही किया था, 20 में से 10 निकाला था तो 10 आया था, 10 में 10 जोड़ा था तो 20 आया, सेम है। पीछे से प्लस करना, सॉरी पीछे से तो आपको माइनस करना है, आगे से आपको प्लस करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो अगर मेरे को ए टू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4 में -3 जोड़ूंगा, क्या होगा 4 -3 1। F3 निकालना है तो इसमें 1 में कितना जोड़ूंगा, -3 -2 आएगा, और -2 में वापस कितना जोड़ना है, इतना आगे देखना ही नहीं, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी 3 देर का, तो -2 में आपको वापस -3 जोड़ना है, -2 -3 -5, -3 में और वापिस -3 सॉरी -5 में वापिस -3 जोड़ोगे -8, तो इसमें आपके होगा 4 1 -3 -5 -8, ये आपके एफ भी बनेगी। इसी तरह फिर आगे इसी तरह आगे फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ ये सवाल आप कर देना, सेम टू सेम ही होगा।